सरकार के वादा खिलाफ ना ही चलाएंगे। सब कच्चे कर्मचारियों का पक्का कराओ, पक्का करो, पक्का करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिलाओं की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व कानून लागू कराओ, लागू करो, लागू। सर्व कानून मेरा फेरे ना ही चलेंगे, नहीं चलेगी, नहीं। सब कच्चे कर्मचारियों का पक्का कराओ, पक्का करो, पक्का करो। तक भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर छात्र व्यापारी कर्मचारी दुकानदार नौजवान एकता जिंदाबाद, 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 पक्का करो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय की, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज तीन संगठन एक साथ जिला सचिवालय में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी छोड़ा है। सौंपेंगे हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखे इसे शेयर भी जरूर कीजिए। देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन हो, किसान यूनियन हो, या फिर उसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य जो संगठन है, तीन संगठन लगातार देख सकते हैं कि जो तीन संगठन है अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय में एक साथ आज इकट्ठे हुए और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से जितने भी लोग इस वीडियो को देखे इसे शेयर भी कीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा हो, आंगनवाड़ी हो, या फिर अन्य संगठन हो, वो अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन CITU, सेंट्रल इंडियन ऑफ ट्रेड यूनियन CITU, अखिल भारतीय किसान सभा AIKS के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पूरे देश भर में आज का कार्यक्रम है। आज एक ऐतिहासिक दिन है, 19 जनवरी 1982 को आज के ही दिन 10 किसान और मजदूर, खेती और मजदूर शहीद हुए थे। मीडिया के माध्यम से आम जनता को भी मैं बताना चाहूँगा, 1981 के नवंबर महीने में 23 नवंबर 1981 को मुंबई में ट्रेड यूनियनों और महासंघों की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें लाखों किसान और मजदूर इकट्ठे हुए थे, और उसी के आह्वान पर किसानों मजदूरों की मांगों ने लेकर ये जो 19 जनवरी 1982 का जो कार्यक्रम था पूरे देश भर में, यूपी के बनारस में उस टाइम के गोला पासवान किसान नेता थे बनारस के, और उनके भाई थे ललित सिंह पासवान छात्र नेता, उनकी पुलिस की निर्मम गोली से हत्या की गई थी। और इसी तरह अन्ना करनाल में क्या किया गया? हाँ जी, करनाल में आज क्या किया? आज करनाल में पिछले 1.5 महीने तक आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर इतनी सर्दी में यहाँ सड़कों पर और सरकार बेरुखी अपनाए हुए है। निश्चित तौर पर अखिल भारतीय किसान सभा CITU और खेत मजदूर यूनियन मांग करती है सरकार बिना देरी के यहाँ जो सड़कों पर इतनी ठंड में जो महिलाएं बैठी हैं, इनकी मांगों का समाधान करे और नरेगा में काम दिया जाए। गांवों में मजदूर बेरोजगारी का संकट झेल रहे हैं और किसान जो MSP की मांग कर रहे, संयुक्त किसान मोर्चे का भी आह्वान है, हमारी मांग है 11 सूत्रीय मांग पत्र आज हम प्रशासन मुख्यमंत्री को देंगे, जिसमें किसानों की मांग है, मजदूरों की मांग है, और बर्खास्त जो PTI और ड्राइंग टीचर जिन पर मुकदमे सरकार बनाने लग रही,
मुकदमे रद्द किए जाएं, बातचीत के साथ समाधान किया जाए। हम आज मांग पत्र देंगे और जो सांप्रदायिक जो हमले हैं और दलित उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं पिछले दिनों सदरपुर गांव में भी सुलेख सोशल मीडिया वर्कर पर जिसमें यहाँ के प्रशासन ने जो दुर्भावनापूर्ण जो उसके परिवार पर 307 के मुकदमे बुनाया, रात सुलेख चंद जेल में है। हम मांग करते हैं प्रशासन से न्यायिक जांच की मांग करते हैं और ये जो आए दिन जो दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर जो हमले हैं उन पर रोक लगाई जाए, आए दिन क्राइम जो बढ़ रहा है उस पर रोक लगे। ये 11 सूत्रीय मांग पत्र हम मुख्यमंत्री को देंगे या उपायुक्त के माध्यम से। धन्यवाद। जगमाल सिंह अखिल भारतीय खेत मजदूर राज्य प्रधान किसान सभा के संयोजक। आज के हमारे दो ज्ञापन जी, एक तो है जो 12 तारीख को हमारा जेल भरो आंदोलन था उस पे हमारे को यहाँ प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया था कि हम आपकी बातचीत सीएम साहब से करवाएंगे और चिट्ठी लेंगे, लेकिन उस पे फिर हमें हमारे को टरका ही दिया एक किस्म से। और फिर हम कल फिर हमारा जो घेराव था, पहले तो धर्मपाल जी हैं जो गोंदरवाले उनके यहाँ था, उन्होंने वो जैनी से कोई पार्थिव शरीर शहीद होके साथी आए हुए थे उनके, उसमें चले गए थे प्रोग्राम में। चलो भाई वो भी हमारे ही बीच से साथी गए हैं, उन्होंने कहा था कि हम बाद में फोन करके बताएंगे, लेकिन अभी तक भी धर्मपाल जी गोंदरवाले का कोई फोन या कॉल मैसेज नहीं आया। कल फिर हमने सीएम आवास का घेराव किया, उस पे हम एक बिल्कुल नाराजगी हम एक जताना चाहते हैं। देखो हम अनुशासन में करते हैं हमेशा धरना प्रदर्शन, कभी भी हमारा अनुशासन से बाहर नहीं होता, लेकिन जो कल प्रशासन सारा का सारा प्रशासन बैरियर लगा के जो आगे खड़ा था ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। ये कहीं भी संविधान में नहीं कि बैरियर के आगे प्रशासन आए, ये बिल्कुल गलत है। आगे से हम यहाँ के प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं भी आगे से इस बात का ध्यान रखें। साथी हमारे ही साथी वो खड़े रहते हैं, पुलिस वाले कोई और नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मान लो कोई भी साथी अगर भगवान ना करे मान लो बैरियर तो को थोड़ा बहुत हिलाना जुलाना सबका होता है, ये अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। ये ऐसे हम कभी भी बैरियर को आगे जाके हम कोठी में नहीं घुसते कभी, क्योंकि जो भी हमारी जो अध्यक्ष मंडल है जिस जो काल होते हैं हम उसी के अनुसार उतना ही करते हैं, ज्यादा हम नहीं करते कभी भी। तो मैं साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी आगे से प्रशासन भाई, आगे से प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि खामखा किसी को चोट लग जाए तो बहुत गलत बात हो जाती है फिर वो। ये है और आज हमारा डीसी साहब को ज्ञापन है, बिल्कुल वही ज्ञापन जो हम लगातार सभी के घर पे वो घेराव कर रहे हैं, वही हमारा ये है, यही हमारे मांग मुद्दे हैं। और आज हम डीसी साहब को भी ये ज्ञापन यहाँ से देंगे, ये हमारा आज का प्रदर्शन है, वही पुराने मांग मुद्दे हैं 2018 के, वही मांग मुद्दे, कोई भी नया मांग मुद्दा हमारा नहीं है। 1500 और 750 पे जो पेच अड़जा हुआ है, हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारे सीएम साहब से भी हर धर्मी को छोड़ के जिद्दी को छोड़ के ये जो 45 दिन से महिलाएं बैठी हैं धरने पर इनकी तरफ देख के और वो जो 750 और 1500 रुपए वाला पेच है उसको सुलझा के और धरने को उठाएं। बिजनेस राणा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिला सेक्ट्री करनाल। तो तस्वीरें देख सकते हैं आज 3 से 4 जो संगठन हैं एक साथ जिला सचिवालय में पहुंचे हैं और ज्ञापन देते हुए अपनी मांगों को लेकर नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अभी इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, करनाल के जिला सचिवालय से लाइव तस्वीरें। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि अलग अलग जो संगठन है, चाहे आंगनवाड़ी हो, ग्रामीण चौकीदारों का जो संगठन है वो हो या फिर अन्य जो संगठन है, वो देख सकते हैं कि अलग अलग ज्ञापन अपने देते हुए नजर आ रहे। देख सकते हैं कि जो आंगनवाड़ी महिला है, महिला अध्यक्ष हैं, वो ज्ञापन देते हुए अपनी मांगों को लेकर, जो पुरानी उनकी मांगे हैं उन्हीं मांगों को लेकर अपना ज्ञापन देते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन आज तक का